दोस्तों नमस्ते, दयामी फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा सा एक स्नैक्स, जो कि बहुत कम समय में जल्दी बनकर तैयार होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक अच्छा सा आलू का स्नैक्स बनाते हैं। इसके लिए हमने दो उबले हुए आलू को इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे और ये 2 चम्मच के करीब शिमला मिर्च है बारीक कटा हुआ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लें, ना तो ना लें। थोड़े से पुदीने के पत्ते को इस तरह से बारीक काट के ले लेंगे और 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट करके ले लेंगे 1/2 चम्मच के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। इस तरह से इसमें सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 1/2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। अगर आपके पास ये ना हो तो 3 से 4 ब्रेड को मिक्सी जार में पीस करके आप ले सकते हैं। 1/2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरे पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाले डालेंगे। और इसके लिए बाइंडिंग के लिए हमने थोड़े से बेसन ले लिए हैं। ये बेसन 1/2 कप के करीब है। इसमें ज़रूरत के अनुसार बेसन डालेंगे और डालकर अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने बेसन डाल करके अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। हमने 1/2 कप के करीब बेसन लिया था, जिसमें 2 बड़े चम्मच के करीब ही हमने बेसन का यूज किया है। आप चाहें तो आपका अगर डो यहाँ पर गीला लगे तो बेसन का और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और जो डो बनाया है उससे हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हथेलियों की सहायता से रोल करके बॉल्स बना के तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इसके जगह पर कोई भी शेप दे सकते हैं, बॉल्स के जगह कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार जो मर्जी हो उसके अनुसार शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे बॉल्स का आकार दिया है। तरह से हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स जो थे उसको हम डालकर इसके बॉल्स के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको कुछ करना नहीं है, बस प्लेट को इस तरह से हिलाना है और अच्छे से इस तरह से देखिए कोट हो जाएगा। स्नैक्स को सर्व करने के लिए हम एक यहाँ पे इंस्टेंट डिप तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1/2 कटोरी दही ले लिया है। इस तरह से दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स के जगह पर आप चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये डिप बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इसमें थोड़ा सा अब हम कटे हुए पुदीने के पत्ते डालेंगे, इससे जो है और फ्रेशनेस मिलेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये वाले डिप। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें।
अब हम जो बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और इसमें हम एक एक बॉल डाल करके तल लेंगे अच्छे से। ऑयल जो है हमारा अच्छा गरम होना चाहिए, कम गरम ऑयल हुआ तो बॉल्स जो है फट सकते हैं, इसलिए तेल थोड़ा अच्छा गरम होना चाहिए। और चाहे तो बॉल्स डालने के बाद और कुछ सेकंड्स के बाद फ्लेम कम कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल करके हम इसे तैयार करेंगे। तरह से हिलाते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल कर तैयार करेंगे। देखिए कितने अच्छे कलर आ गए हैं और कितने अच्छे बॉल्स भी बन के तैयार हुए हैं और एक भी बॉल्स नहीं फटे हैं। हमारा बॉल्स जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे बैच को भी हम तल कर तैयार करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। पर शुरुआत में आपको ध्यान देना होगा कि तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, कम गर्म तेल में नहीं डालेंगे। तरह हिलाते हुए हम दूसरे बैच को भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल कर तैयार करेंगे। दूसरे बैच के भी बॉल्स बनकर तैयार हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में बनकर तैयार होगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, घर की चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।